Assalamualaikum, welcome to my channel Zier Tutorial. Exercise 2.4 class 10th Ncert Maths. Question number 2. Question number 1 जो है इससे पहले कर चुका हूँ मैं. So question number 2 says, find a cubic polynomial with the sum of zeros and product sum of its product of zeros. जिसका formula ये होता है and product of zeros. ये जो है हमें पता होना चाहिए cubic polynomial में ये सारी चीजें जो standard equation होती है x cube प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एंड ज़ीरोज़ जो होते हैं अल्फ़ा बीटा एंड गामा और ये फार्मूला है उसका. ठीक है, इसके ज़रिए से हम जो है क्यूबिक पॉलीनोमियल को फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे असल में हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है. ठीक है, सो अब जैसा कि हमें मालूम है हमारा क्यूबिक पॉलीनोमियल जो है वो है स्टैंडर्ड इक्वेशन में बात करें ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. सो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है. तो हमें गिवन जो है तो उसके एतबार से हम चलते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ जो कि होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा और ये हमें गिवन है जो कि 2 के बराबर होता है. ठीक है, और ये चीज़ जो है हमारी माइनस बी अपॉन ए के बराबर होती है जैसा कि मुझे यहाँ से पता है, ये हमें याद होना चाहिए, विच इज़ इक्वल टू 2. एंड एज्यूम कर लेते हैं जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में फाइंड करने के लिए हमें ए को 1 माना था, इसी तरीके से हमें जो है इसमें भी एज्यूम करना पड़ेगा ए बी 1. सो माइनस बी अपॉन ए मतलब 1 विच इज़ इक्वल टू 2. अब कोई भी चीज़ 1 से डिवाइड होती है तो एज इट इज़ रहती है, तो माइनस बी इक्वल टू 2 हो जाएगा, माइनस बी इक्वल टू 2 हो जाएगा और ये जो माइनस है ये 2 पर चला जाएगा. तो इस तरीके से हमें बी की वैल्यू पता चल गई विच इज़ इक्वल टू माइनस 2. ठीक है, और हमें दिया हुआ है गिवन सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये हमें गिवन है जो कि क्या होता है असल में अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा. फॉर्मूले के एतबार से हमारा ये होता है सी अपन ए के बराबर. ठीक है, अब ये हमें पता है ये जो है -7 के बराबर दिया है क्वेश्चन में विच इज़ इक्वल टू सी अपॉन ए. अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे ए विच इज़ इक्वल टू 1. तो सी अपॉन ए का मतलब क्या है 1 विच इज़ इक्वल टू -7 है, तो सी की वैल्यू जो है -7 के बराबर आ जाएगी. अब हमें सी की वैल्यू भी पता चल गई -7. अब तीसरी बात जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. ठीक है, जो कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा होता है और ये हमें गिवन है, ये है -14, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा किसके बराबर होता है -d अपॉन a के, तो -d अपॉन a इक्वल टू -14. ठीक है, अगर हम यहाँ देखें दोनों में ही माइनस है तो हम यहीं पे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो डी अपॉन ए इक्वल टू 14 हो जाएगा. इसमें भी हमें ए को एज्यूम करना पड़ेगा विच इज़ 1. सो अब इसके अंदर अगर हम पुट करें डी अपॉन ए, ए मीन्स 1 विच इज़ इक्वल टू 14, तो हमें यहाँ से वैल्यू पता चल जाएगी डी इक्वल टू 14. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ए भी पता है 1, ए पता है, बी हमें मालूम है -2, सी हमें मालूम है और डी भी हमें मालूम है. तो हम क्या करेंगे इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर ये ए बी और सी एंड डी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्यूबिक पॉलीनोमियल पता चल जाएगा. ठीक है, तो पता कर लेते हैं. एंड ए बी सी डी की वैल्यू मैंने इसके अंदर पुट कर दी. सो 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो एज इट इज़ रहता है, तो एक्स क्यूब हो गया. देखिए प्लस माइनस माइनस होता है
टू एक्स स्क्वायर, और प्लस माइनस यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा 7x एंड प्लस 14। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलीनोमियल। सो यही हमें बताना था, विच इज़ द आंसर।